हाय फ्रेंड्स, बिगिनर ट्यूटोरियल ऑफ पीएचपी में कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे हम यूडीएफ के बारे में, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कोई भी लैंग्वेज आप देख लीजिए, सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, VB.NET, सी शार्प, ASP.NET, PHP, जावास्क्रिप्ट, फंक्शंस के बिना लैंग्वेज आदि ही है। फंक्शंस टू टाइप्स के आते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस जो फंक्शंस है जो लैंग्वेज में खुद ने पहले से बनाए हुए हैं। हर लैंग्वेज में खुद के खुद ना कुछ फंक्शंस होते हैं। कैटेगरी वाइज स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन, एरे फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, करेंसी फंक्शंस, जैसी लैंग्वेज वैसे उस प्रकार के उसमें फंक्शंस पहले से बनाए हुए होते हैं। हमें सिंपली उसका यूज़ करना होता है, हम उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसकी जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स को फॉलो करके, आर्ग्यूमेंट पास करके उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम हमारा खुद का फंक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है तो उस हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करने का फंक्शन बनाते हैं। दो वैल्यू का एडिशन करना है, तीन वैल्यू का एडिशन करना है तो उस हिसाब से हम फंक्शन बनाएंगे। तो यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस है फोर टाइप्स के आते हैं। फोर टाइप्स और डिफरेंशिएट होती है, और आर्ग्यूमेंट और रिटर्न में डिफरेंशिएट होती है। जो सी लैंग्वेज में फोर टाइप्स है वही पीएचपी में फोर टाइप्स है। फर्स्ट टाइप आती है हमारी नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। सेकंड टाइप हमारी आती है विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। थर्ड टाइप जो हमारी आती है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। और जो हमारी फोर्थ टाइप आती है विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। तो ये चार टाइप्स है जो सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। एक ही डिफरेंस जो उसमें आता है वो आता है एक कीवर्ड का, फंक्शन कीवर्ड। स्टार्ट करते हैं हम यूडीएफ के बारे में। पीएचपी स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन t1। तो ये जो डिफरेंस था जो मैंने अभी बोला वो है फंक्शन कीवर्ड का। सी लैंग्वेज में पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, वॉइड, इंटीजर या फ्लोट। बाद में यूडीएफ का नाम लिखते हैं। जो पहले जो हम वर्ड लिखते हैं void या integer या overflow, वो रिटर्न टाइप होती है कि UDF जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कौन सी टाइप का होगा, वो हमें PHP में लिखना नहीं होता है, वो निकाल के हमें लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड। फोर टाइप में से कोई भी टाइप आप UDF बना रहे हैं, हर बार हम लिखेंगे फंक्शन। एक सिंपल पहले फंक्शन बनाते हैं, इको डिस्प्ले। जो रूल है, बिना कॉलिंग स्टेटमेंट UDF एग्जीक्यूट नहीं होता, एटलीस्ट एक बार तो हमें उसे कॉल करवाना ही होता है। इसे सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहां पे हो गया हमारा आउटपुट डिस्प्ले। ये जो फर्स्ट UDF मैंने बनाया है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। कन्फ्यूजन हो रहा है अगर आप बिगिनर है, सी लैंग्वेज के भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है। क्विकली अगर आपको मालूम करना है कि फोर टाइप्स में से कौन सा टाइप है, पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट यहाँ पे मैंने लिखा है उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हुआ वो विथआउट आर्ग्यूमेंट या फिर नो आर्ग्यूमेंट। यहाँ भी कोई भी रिटर्न वर्ड नहीं लिखा है, रिटर्न वर्ड जिसमें आता है वैसा कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो वो हो गया नो रिटर्न। पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा इसलिए कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इसलिए बोलते हैं इसे नो रिटर्न। ये फर्स्ट UDF जो हुआ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वाला हुआ, मैंने सिंपल एक मैसेज उसमें डिस्प्ले करवाया है। जो सेकंड टाइप आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाएंगे $NM को। तो ये जो हमारा हुआ अब हो गया विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट में नेम आया। क्यों नेम आया? जब मैंने UDF को कॉल करवाया तो मैंने एक स्टार्ट में डेटा सेंड किया, एक स्ट्रिंग सेंड की। जो स्ट्रिंग मैंने सेंड की है वो NM में स्टोर होगी और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो NM वेरिएबल है लोकल वेरिएबल होगा, UDF के आउटसाइड उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्पेशली UDF का वेरिएबल है, उसे ग्लोबल बना नहीं सकते। बीच में डिक्लेयर किया है तभी आप उसे ग्लोबल बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखिए, यहाँ कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखिए, आपका खुद का नाम है या फिर कुछ भी आप लिखिए, जो आप सेंड करेंगे वो वेरिएबल में स्टोर होगा और आउटपुट में आपको दिखाई दे पड़ेगा।
ये UDF था विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। दूसरी टाइप की हम बात करेंगे, थर्ड टाइप, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। यहाँ पे आप दो वैल्यूज स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल लिखेंगे, डॉलर ए और डॉलर बी, दोनों का हम यहाँ पे एरिथमेटिक कैलकुलेशन कराएंगे, एडिशन करवाएंगे, और जो सी की वैल्यू है हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न डॉलर सी। वैल्यू रिटर्न क्या होगी, कहाँ पे होगी, जहाँ पे कॉलिंग स्टेटमेंट है वहाँ पे वो हमेशा रिटर्न होती है, यानी कि टी वन जो हमने लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे डॉलर एक्स को। तो ये हमारा UDF हो गया विथ आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न वर्ड लिखा इसलिए होगा हमारा विथ रिटर्न। फोर और फाइव आर्ग्यूमेंट सेंड होगी, ए और बी में वो स्टोर होगी, कैलकुलेशन होगा, जो कैलकुलेशन होगा वो रिटर्न होगा सी के थ्रू एक्स में, और एक्स में हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। रिफ्रेश करेंगे प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, जो भी हम सेंड करेंगे उसका कॉन्करेशन होगा या एडिशन होगा, और उस हिसाब से हमारी वैल्यू जो है एक्स में हमें दिखाई दे पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप जो फोर्थ टाइप आखिरी हमारी बाकी है वो है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। यहाँ पे हम जो वैल्यूज है वो निकाल देते हैं, ए और बी को यहाँ पे एज्यूम कर डालते हैं, डॉलर ए इज इक्वल टू 6 और डॉलर बी इज इक्वल टू 7। रिफ्रेश करेंगे, जो हमारा आउटपुट है वो हमें दिखाई दे पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट हमने कुछ पास नहीं किए, सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न की है। तो हमारा फोर्थ टाइप हुआ नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। ये बेसिक UDF थे। UDF में आगे क्या फीचर्स है जो PHP में सी लैंग्वेज में नहीं थे, जिसकी मदद से आप UDF का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम यूज कर सकते हैं अपने छोटे छोटे टास्क को आसानी से कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए आगे के वीडियो प्लीज इसे देखिए, उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहिए। कोई भी वीडियो समझ में नहीं आया है कमेंट में लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए, आपको जो कोई भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज नेम है मोहम्मदी कंप्यूटर्स। थैंक यू।